हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में कोसाइन रूल की तरफ। ठीक है, साइन रूल हम लोगों ने पढ़ लिया, कम से कम उसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं कोसाइन रूल में बात करूँ तो कोसाइन रूल सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कैसे क्या होता है, फिर उसके बाद में देखते हैं। चलो, जब हम किरण पब्लिकेशन बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पर अगर ज़रूरत होगी कोसाइन रूल की तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिस पर यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन इसको बिना यूज़ करे ही अगर पॉसिबल हो पाता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर लास्ट हमारा ऑप्शन होगा कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन और साइन रूल। ओके, यहाँ पर मैं बात करूँ, आप लोगों के सामने एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक ट्राइंगल ए बी एंड सी आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये वाली साइड हो जाएगी ए, ये वाली बी एंड इसके सामने वाली सी, छोटी सी। एंड यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला 90 डिग्री पे, और ये मेरी हाइट। ठीक है, अगर ये मान लो ये अगर एक्स है इतनी भुजा, तो ये वाली कितनी हो जाएगी भाई, ये ए माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि पूरी ए है। ठीक है, पूरी कितनी है, ए है, ए में से एक्स माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ट्राइंगल केस में ये पॉइंट डी मान लो, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी बी में। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर, स्मॉल सी स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए डी और उधर सी, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी, बी के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दें तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे एच स्क्वायर है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर रख दूं तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या तो आप इसे ओपन कर लो, तो ओपन करना चाहो तो ओपन करके लिख लो, मैंने माइनस अलग कर दिया। ठीक है, अभी तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, टू ए एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो माइनस ओपन कर लो तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस, एंड ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का टू ए एक्स को। अभी रुक जाओ, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मुझे चाहिए होगा कॉस बी, तो कॉस बी इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस बी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना है मेरा, बेस है एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना है सी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सी का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्मॉल सी कॉस बी। तो मतलब x के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, सीधी सी बात है, स्मॉल सी कॉस भी रख सकता हूँ, तो x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, स्मॉल सी कॉस बी। ठीक है, स्मॉल सी कॉस बी मैंने x के स्थान पर रख दिया है और कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का है दोनों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर है। अब हमें निकालना है, देखो इस पर बात करेंगे, इसके दो टुकड़े आपस में बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखना। तो अभी इसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर मैं मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो इसका मतलब इसे इधर भेजना होगा। ठीक है, बी स्क्वायर अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस का हो जाएगा टू ए सी कॉस बी। ठीक है, तो यहां से मुझे निकालना है 2ac cos b, 2ac cos b इक्वल टू क्या होगा, तो हमें क्या करना है भाई, इसे इधर लेके आना है, इसे इधर। तो मतलब सबसे पहले a को ले लेते हैं, a स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इधर आने पे, ये माइनस का हो जाएगा लेकिन माइनस का हम बाद में लिखेंगे, तो सी स्क्वायर लिख लो, तो सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर एंड माइनस का हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर। तो ये 2ac cos b बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम इसे लिखना चाहें 2ac,
मुझे तो कॉस बी की वैल्यू चाहिए, तो कॉस बी की चाहिए, तो टू ए सी कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे। तो मतलब कॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बट्टे में टू ए सी, क्योंकि ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, इसके नीचे। तो मतलब कॉस बी का जो मान है वो निकल के आ गया आपका कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में टू ए सी। फटाफट से नोट कीजिएगा सबसे पहले। तो बस हो गया प्रूफ। इसमें क्या था आप लोगों को जो याद रखना है वो ये पॉइंट याद रखना, कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू यहीं से आप एक कॉस ए की निकाल सकते हो सेम एज इट इज ऐसे ही, ठीक है। मैं अभी दोबारा रफ करके बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो, नोट कर लीजिएगा फटाफट। ओके, तो इसमें कुछ नया नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ से कॉस ए की और कॉस बी की वैल्यू कैसे लिखनी है आपको, ठीक है। प्रूफ सेम एज इट इज कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहां पर लिखा हुआ कॉस बी, मतलब कैपिटल बी यहां पर है, स्मॉल बी यहां पर है, बाकी के दो बचे यहां पर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर कर देंगे क्या, कॉस ए की अगर मैं वैल्यू निकालू तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, बाकी के कौन से बचे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचे, ठीक है। एंड माइनस का, माइनस का बी है तो मतलब यहाँ ए है तो ए स्क्वायर छोटा हो जाएगा, ठीक है। टू बी सी, बी सी कैसे लिया, यहाँ पे बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, बी सी इसी तरह टू ए सी था इसलिए यहाँ पे नीचे हो गया टू ए सी, ठीक है। यहीं पे अगर मैं कॉस बी तो हो गया, सी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर स्मॉल सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टू ए बी, ठीक है। अब यहां पर आप लोग चाहो तो इसे याद रख सकते हो, चाहो तो, अगर नहीं करना चाहते तो क्या करना होगा, तो देखो मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम सिखाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने बोला आपसे ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम की थोड़ा सा बस उसे माइंड में लेना है, अपने आप याद हो जाएगा। ए स्क्वायर मैं याद करा रहा हूँ और कुछ नहीं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। एंड माइनस का करना है टू, जो ये टर्म लिखे बी सी एंड कॉस कौन सा था ए, तो कैपिटल ए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बोलिएगा कि बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर बराबर दो डिजिट बाकी के बचे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी हो जाएगा। एंड कॉस कितना हो जाएगा भाई, स्टार्टिंग में बी स्क्वायर है तो मतलब कैपिटल बी। इसी तरह सी स्क्वायर की बात करूं तो इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। एंड कॉस कितना हो जाएगा जी, टू ए बी कॉस कैपिटल, यहां पे सी स्मॉल है तो यहां पे हो जाएगा कैपिटल सी। ये तीन पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो, ये चीज एक ही है, ठीक है। अगर आप चेंज करोगे तो भी यही निकल के आएगा, तो आप लोग अगर ये याद रख सकते हो तो भी अच्छी बात है, अगर ये भी याद रख सकते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। एंड यहां पर मैंने साइन रूल में आप लोगों को दिखाई बताई दिया था कि साइन कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए साइन कैपिटल बी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी बराबर साइन कैपिटल सी स्मॉल सी बराबर होता है टू आर के, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। पिछली वीडियो में साइन रूल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं चलता हूं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीजों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।